आज हम यह ऑटो रिक्शा स्टैंड है जो अगरा गेट पे, ये बरसों पुराना स्टैंड है जिस पे ऑटो खड़े रहते हैं और ये रोड के बीच में जो ठेले खड़े रहते थे, आज अभी दिन में ट्रैफिक की जो मैडम आई थी टीआई मैडम, और उन्होंने आके इनको ऑटो को पीछे करवा दिया और उसके सामने ये जो ठेले लगवा दिए। अब जब सामने ठेले ही लग जाएंगे तो ऑटो रिक्शा को सवारी कहाँ से मिलेंगी? कहने लगे कि ये इसके अंदर ठेले का स्टैंड है यहाँ। अरे मैंने कहा भाई ठेले का स्टैंड है, ये तो स्टैंड आपने आप बनाया आपके हिसाब से। ऑटो रिक्शा स्टैंड तो शासन सचिवालय से ग्रांटेड है हमारा तो, और इसमें बोर्ड लगा हुआ है, अभी भी आज की तारीख में बोर्ड लगा हुआ है। हम तो उनसे यही चाहते हैं, अभी हम गए थे मिलने के लिए तो मैडम साहिबा अभी जिलाधीश कार्यालय गई हुई है, वो आ जाएगी तो उन्हें हम अपनी स्थिति अवगत कराएंगे और हमारे स्टैंड की लिस्ट है उन्हें दिखा देंगे हम कि हमारा स्टैंड है ये, और स्टैंड की संख्या और खड़े रहने की संख्या बता देंगे उन्हें, और वहाँ हमारे जो स्टैंड पर गाड़ियाँ उन्हें खड़े रहने दिया जाए, हमारे संग अत्याचार न हो। और ये हम भी नहीं चाहते कि ठेले वालों को जगह ऐसी दे उन्हें जहाँ ये भी कमा के खाएँ। ये कभी तो रोड के बीच में दे बिठा देते, कभी काम रख देते, इनको स्थिति क्लियर नहीं है अभी भी सरकार की। एक ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष करण सिंह। समस्या ये है कि हमारा ऑटो कम से कम 45 साल से पुराना स्टैंड है ये। क्या अब ये अगर ऑटो ये ठेले वाले अगर यहाँ पर ऑटो के बाहर आ जाएंगे तो ऑटो वाले सवारी कहाँ लेके जाएंगे? पूरे ऑटो देख लो आप, पूरे ऑटो दबे हुए हैं सारे पीछे बैक साइड के अंदर। आप चौराहे से आप देख लो कि चौराहे से ऑटो बिल्कुल एक भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम भी गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? हमारी समस्या ये है कि इनको भी जगह दी जाए, मगर ऐसी जगह दी जाए ताकि ये भी अपना धंधा कर सके और हम भी अपना धंधा कर सकें। मेरा नाम हरी सिंह। स्टैंड है ऑटो स्टैंड, ये कम से कम 30-40 साल से यहीं है और इनके आगे आज मतलब ठेले वाले लग गए हैं। ठेले पूरे ऐसे हो गए हैं कि हमारे पीछे सवारी कोई नहीं आ सकती है। मतलब हम जानते हैं कि भाई ठेले वालों को भी मतलब जगह मिलनी चाहिए, इनको भी मतलब कमा खाने के लिए मतलब जगह दो, तो इनको ऐसी जगह दो कि जहाँ मतलब साइड में खड़े हो सके और इनको मिल सके। मैडम ने कहा कि भाई पीछे ले लो आप, पीछे ले ली दुकान हमारे ऑटो स्टैंड पीछे आ गए, उसके आगे वो आगे का मतलब ठेले वाले सारे आ गए। अब हमारे सवारियाँ एक भी नहीं आती है, ऑटो सारे दबे में पीछे। रमजान मोहम्मद। किस जगह? ये आगरा गेट। आगरा गेट पे जो हमने कार्रवाई की वो आज नहीं, हमने एक हफ्ते भर से मंडे से ही कार्रवाई, हम पिछले फ्राइडे सैटरडे से कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाजार के कुछ प्रतिष्ठित लोग और कुछ अध्यक्ष वगैरह जिसमें मोहनलाल जी शर्मा और गुप्ता जी शामिल थे, उन्होंने एसपी साहब को बुलाया था और पूरा एसपी साहब को मौका दिखा करके ये बताया था कि ठेले वगैरह हैं इनको उनके व्यवस्थित ढंग से रखा जाए, जो बीच आगरा गेट के बीचों बीच खड़े होते हैं इनको एक तरफा किया जाए। तो श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जब ठेलों को हटाया गया तो ठेले वालों ने बताया कि शिव मंदिर के पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बकायदा लिखा हुआ है कि ये वेंडिंग जोन ठेलों के लिए दिया गया है भोला होटल के सामने एक तरफा। तो इस वजह से ठेलों को भी फिर हमने वहाँ से हटाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको वेंडिंग जोन दे रखा है। जस्ट उसके पीछे ऑटो रिक्शा पार्किंग है जो 15 ऑटो की क्षमता का है वो दे रखा है, तो उनको भी हम जहाँ अगर किसी चीज़ के लिए कोई पहले से जगह व्यवस्थित है उसको मेरे हिसाब से तो मैं करवा नहीं सकती। ऑलरेडी वो पूर्व से ही निर्धारित है दोनों जगह, वेंडिंग जोन और ऑटो रिक्शा स्टैंड, तो उसके हिसाब से वो वहाँ पर खड़े हैं। और रहे पीछे जो होटल है जिनकी भोला होटल है, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे होटल के सामने हमारे कस्टमर आने जाने में प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए जो ठेले वालों से हमने यही बोला कि आप लोग इन दोनों को रास्ता दें, उन्होंने रास्ता दे रखा है, ऑटो को निकलने के लिए भी रास्ता दे रखा है। और अगर इनको लगता है ये अनुचित है तो ये नगर निगम से जाकर के डिमांड करें कि इनको हटाया जाए या लगवाया जाए। ये हमारा मतलब लुकआउट नहीं है, हमारा काम जो जगह जहाँ पर है उसको व्यवस्थित करना है। और भोला होटल वालों से जो दुकानें हैं उनसे भी मैंने बोला है कि उनकी दुकानें 3 फीट का चलो मौखिक दे रखा है, लेकिन उन लोगों ने 10 फीट का बाहर पक्का अतिक्रमण करके अपने दुकान के बाहर और सड़क को रोक रखा है। उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो पक्का अतिक्रमण हटाएं ताकि आपके कस्टमर आप आराम से आसानी से आपकी दुकान में आकर के और परचेजिंग कर सके और आराम से आकर के ठहर सके, वहाँ पे बाइक भी पार्किंग हो सकती है। तो इन तीनों चीज़ों की जो प्रॉब्लम आ रही है ये आपस में मैं चाहती हूँ कि लोग मिल बैठ करके नगर निगम से या और किसी एजेंसी से खुद ही सॉल्व करें। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें जो रूल्स हैं उनको फॉलो हम करवाते हैं, हम किसी में इंटरफेयर नहीं करते हैं।